Praise the Lord and good evening to everyone who is attending this Bible study hour of a LifeSpring Assembly. और आप सबको जय मसीह की और आप सबका मैं स्वागत और अभिवादन करता हूं खास रीति से जो इस लाइफस्प्रिंग असेंबली कलीसिया के बाइबल अध्ययन से जुड़े हैं. एंड इट इज माय प्रेयर एंड डिजायर एंड होप दैट दोस ऑफ यू आर रेगुलरली अटेंडिंग दीस क्लासेस आर बेनिफिटेड एंड लर्निंग मेनी थिंग्स that are proper for Christian men and women. और मुझे ये पूरा विश्वास और आशा है कि आप सब जो इन अध्ययनों से जुड़े हैं आप ऐसी शिक्षाओं को ले और सीख रहे हैं जो बहुत से विश्वासियों और मसीहों के लिए एक मसीही स्त्री या पुरुष होने के लिए ज़रूरी है. Why the study of First Corinthians is so very important? और क्यों पहला कुरिन्थियों का ये अध्ययन इतना महत्वपूर्ण है? Because remember this one church in the first century was full of the gifts of the Holy Spirit. क्योंकि ये पहली सदी में एक ऐसी कलीसिया थी जो पवित्र आत्मा के वरदानों से भरी हुई थी. And at the same time, लेकिन साथ ही साथ filled with all kinds of problems. लेकिन हर प्रकार की समस्या भी इस कलीसिया में पाई जाती है. These problems are still existing and having an impact, an effect. upon the church. और ये समस्याएं आज भी हैं और इनका प्रभाव आज भी कलीसिया पर पड़ता है. And how Paul dealt with all these problems one by one. और कैसे पॉलुस ने एक-एक करके इनमें से हर एक समस्या का सामना किया. Last Wednesday we learned about women dressing up and men dressing up. और पिछले हफ्ते हमने देखा कैसे स्त्री और पुरुष कपड़े पहनते हैं या उनका पहनावा के विषय में. Today we will study of a relationship between man and woman. और आज के दिन हम पढ़ेंगे एक पुरुष और स्त्री के बीच के रिश्ते के विषय में. And chapter 11 of First Corinthians verses 7 to 8. और पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 7वें वचन से लेकर 10वें वचन तक. And we are told here. और इस बात को यहाँ पर बताया गया है. A man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God. But the woman is the glory of man. For man did not come from a woman, but a woman from man. Neither was man created for woman, but a woman for man. For this reason, and because of the angels, the woman ought to have a sign of authority on her head. हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है. क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है. और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है. इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे. When you read this paragraph carefully, और जब आप वचन के इस भाग को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, you will understand the reason and why a woman should have a sign of authority over her head. तब आपको वो कारण पता चलेगा कि क्यों एक स्त्री के सिर के ऊपर वो अधिकार होना जरूरी है. A covered head is of a woman. is a sign of or a mark of authority. और एक ढका हुआ सिर इस बात का चिन्ह है एक स्त्री का कि वो अधिकार में है. And God is the creator. और परमेश्वर खुद सृष्टिकर्ता है. And he is a wise designer and creator. और वो एक ज्ञानी बनाने वाला और सृजने वाला परमेश्वर है. He created everything with order and beauty. और उसने हर एक बात को सुंदरता से बनाया. And we have to be careful that we do not violate the order of creation. और हमें इस बात को लेकर सावधानी बरतनी है कि हम परमेश्वर के द्वारा सृजे गए इस आदर को, इस बात का हम आधार को कभी भी अनादर ना करें. Now here Paul is still dwelling on the issue of dress. और यहाँ पर भी हम देखते हैं पॉलुस अभी भी पहनावे को लेकर बात करता है. In Genesis chapter 1 verses 26 and 27. और उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 26वां और 27वें वचन में. What we understand that the man was created in the image and glory of God. कि एक मानव को परमेश्वर ने अपने सदृश, अपनी महिमा और अपने अनुग्रह में बनाया. For this reason, और इस कारणवश, a man ought to honor God by living in conformity with God's purposes. कि एक पुरुष को, एक मनुष्य को परमेश्वर के उद्देश्य और इच्छा अनुसार रहने के द्वारा उसका आदर करना है. And not disturb the spirit of believers by rebellion and compromises. और जो विश्वासी की एक आत्मा है उसको विद्रोह के द्वारा या समझौते के द्वारा ठेस या धोखा नहीं देना है. Because by my action, क्योंकि मेरे किसी कार्य के द्वारा some others can be hurt. कोई दूसरे जो हैं दुखी हो सकते हैं. And we bring dishonor to God. और हम परमेश्वर को अनादर उस बात से देते हैं. Man was given authority over the earth. लेकिन मनुष्य को इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया गया. This requires और इसके लिए जरूरी है that man always must behave in a manner that demonstrates his authority. कि मनुष्य को इस रूप में व्यवहार करना है जो हमेशा उसके अधिकार और आदर को दर्शाए. And it does not bring dishonor to God. और परमेश्वर के लिए अनादर को ना लेकर के आए. When you disturb this order, और जब आप इस आकार को आप प्रभावित करते हैं, you are dishonoring God. तब आप परमेश्वर का अनादर करते हैं. And the second thing to notice, और जो दूसरी बात जो महत्वपूर्ण जो हमें देखनी है, woman was created later, कि स्त्री को परमेश्वर ने बाद में बनाया. And she was to be the glory of man. और वो मनुष्य की या मानव की या पुरुष की महिमा में. So dear women who are wives and you have a husband, और इसलिए प्रिय स्त्रियों जो पत्नियां हैं और आपके पास एक पति है, you as a wife are the glory of man. आप एक पत्नी होते हुए एक पति की महिमा है. And therefore, और इस कारणवश, she was not to take the place of man. उसे पुरुष के स्थान को नहीं लेना है. She was given by the Creator God a place of her own. क्योंकि उसने सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने खुद उसे एक स्थान को दिया है. And that place was by the side of man. और वो स्थान है कि वो पुरुष के संग उसके बगल में रहे. Here is something that we all must understand. और यहाँ पर एक ऐसी बात है जो हम सबको समझना जरूरी है. And do not misunderstand. और इस बात को हमें गलत नहीं समझना है. By being by the side of man, जब पुरुष के बगल में रहने का मतलब, she was not less than man, कि वो किसी भी रीति से पुरुष से किसी बात में कम नहीं थी. But she is equal, लेकिन वो तो बराबरी में है. But the place God allotted to you is to stand by the side of man. लेकिन जो स्थान आपको परमेश्वर ने दिया है खड़े होने के लिए है वो है मनुष्य की बगल का. Not over the man, ना कि पुरुष के ऊपर. Not below the man, ना कि पुरुष के नीचे. But by the side of man, लेकिन पुरुष के बगल बराबरी में खड़े होने का. Order in which God created man and woman. और इसी रीति से परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री की रचना को किया. And this side of man is a highly exalted position for a man. और ये स्थान जो एक पुरुष का है ये एक बहुत ही ऊंचा और आदरमय ओहदा है. What does that mean? इसका क्या मतलब है? Remember what I said before? आपको याद हो जो मैंने अभी पहले, God has given authority to man over the earth. कि परमेश्वर ने पुरुष को पूरी पृथ्वी पर अधिकार दिया है. To rule the earth. कि वो इस पृथ्वी पर राज्य करे. And thus he is the king. और इसलिए वो राजा है. And by the woman, by being by the side of man, और जबकि स्त्री उसके बगल में बराबरी पर है, she is what? वो क्या है? That man's queen. वो उस पुरुष की रानी है. The woman is man's queen. और इसलिए एक स्त्री एक पुरुष की रानी है. She is by the side of man as his queen. वो उस पुरुष के संग उसके बगल में खड़ी है उसकी रानी के रूप में. And from this order, और इस आकार से, we understand that while man is ruler, हम इस बात को समझते हैं कि जब मनुष्य अगुवा है या राज्य करता है, the wife is the ruling queen. तब वो पत्नी वो राज्य करने वाली रानी है. But her position is standing, sitting by the side of man. लेकिन उसका स्थान ये है कि वो उस पुरुष के बगल खड़ी है, चलती है बराबरी में। So both of them are rulers. और इसलिए दोनों ही राज्य करने के लिए हैं। And but the woman occupy the side of man means the man gives leadership. लेकिन एक स्त्री के पुरुष के बगल में खड़े होने का मतलब ये है कि जो पुरुष है वो अगुवाई करेगा। And the queen is there to support the king. और वो रानी वहाँ मौजूद है ताकि राजा का बातों में उसकी सहायता करे, उसके संग खड़ी रहे। And this order of God in creation is displayed by God in doing two things. और परमेश्वर का ये बात हम दिखती है इस बात को इसकी रचने में दो बातों के द्वारा। When God created man and woman, जब परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री की रचना करी, God created a woman from the rib of a man. तब परमेश्वर ने स्त्री की रचना पुरुष की एक पसली से करी। At least that's what we understand. कम से कम इतना तो हम समझते हैं। It took a portion of his rib bone. और एक पसली का टुकड़ा लगा एक स्त्री को बनाने के लिए। This we read in Genesis chapter 2 verses 21 following. और इस विषय में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक दूसरा अध्याय 21वें वचन से। That is the first thing. और ये वो पहली बात है। So the woman is taken out of man. और इसलिए वो स्त्री मनुष्य के या मानव के भीतर से निकाली जाती है। In the Hebrew word, it is by the side of man. और इब्रानियों के शब्द में ये है मनुष्य के बगल से। So what could that mean? और इसका क्या मतलब है? It could mean not necessarily the rib bone, but a flesh. इसका मतलब ये हो सकता है कि इसका मतलब सिर्फ एक पसली का टुकड़ा ही नहीं, हो सकता है मांस का एक टुकड़ा परमेश्वर ने लिया। So, but we don't know. लेकिन हमें नहीं पता। And it can be, I don't know. और ये हो सकता है, मुझे नहीं पता। And let us go according to what we have always been believing. लेकिन आइए उसी रीति से हम आगे बढ़े जो लिखा है, जो हमने हमेशा विश्वास किया है। So that is the first thing. और ये वो पहली बात है। So they are equal. और इसलिए वो बराबरी के हैं। And the second truth to note here is. और ये जो दूसरी सच्चाई है जो हमें देखनी है। God created a woman as a companion to man. कि परमेश्वर ने स्त्री की रचना करी एक सहायक के रूप में। Genesis chapter 2 verse 18. उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 18वां वचन। So who is, what is a companion? तो इसलिए एक सहायक कौन है? A companion is someone who stand equal to the other friend. और एक सहायक वो है जो दूसरे मित्र के लिए संग खड़ा रहे। So a wife is what? Wife is not less than the husband, but she is the companion. और इसलिए याद रखिए कि एक पत्नी कौन है? एक पत्नी एक पति से नीचे दर्जे में नहीं, लेकिन वो उसकी सहायक है। And their responsibilities are given by God. और उनकी जिम्मेदारियां परमेश्वर ने बांटी हैं, उन्हें सौंपी हैं। God, the authority of ruling the earth and subduing earth was given to man. और याद रखिए वो अधिकार कि पुरुष उस पृथ्वी पर राज्य करे और उसकी देखभाल करे वो पुरुष को मिला। Then came woman. और उसके पश्चात आई स्त्री। Now what woman has to do? और अब एक स्त्री को क्या करना है? He has to be by his side as a companion. और स्त्री को help him in exercising his authority over other creation. और स्त्री को ये करना है कि वो उस पुरुष की बगल में रहे, खड़ी होकर उसकी सहायक के रूप में उसकी सहायता करे कि वो अपने अधिकार को प्रभाव में ला सके। So may the Holy Spirit give us a proper understanding. और होने दे पवित्र आत्मा हमें सही समझ को दे। Never consider your wife as someone less than you. और कभी भी अपनी पत्नी को अपने से नीचे ना आके। And in India it is very prevalent. और भारत में तो ये बात बहुत ही ज़्यादा है। And some countries. और कुछ और दूसरे देशों में। A woman is looked down. एक स्त्री को नीचे नजरों से देखा जाता है। God, that is not God's order. याद रखिए ये परमेश्वर का आकार नहीं है। God has made woman as dignified and as equal to man. क्योंकि परमेश्वर ने तो एक स्त्री को पुरुष के बराबर आदर और सम्मानजनक बनाया है। But she has to her role to fulfill. और लेकिन उसके पास अपना एक जिम्मेदारी है, कार्य है पूरा करने के लिए। And her role is to help and be a helper to man. और उसका और उसका काम है कि वो अपने पति के लिए एक सहायक ठहरे। And so what does that mean? इसका क्या मतलब है? So that brings us to our next point. और ये बात हमें हमारे दूसरी बात पर ले आती है। Therefore, what should women do? और इसलिए एक स्त्री को क्या करना चाहिए? Woman must recognize man's authority. कि एक स्त्री को पुरुष के अधिकार को मानना और समझना है। And not to rebel against man's authority. और एक पुरुष की अधिकार के विरुद्ध नहीं खड़े होना है। You are there with him. आप उसके संग खड़ी हैं। To help him. तो उसकी सहायता कर सके। To exercise his authority properly. ताकि वो अपने अधिकार को सही रीति से काम में ला सके। When the companion becomes a rebel. और जब एक सहायक विद्रोह कर देता है, then the whole rulership is gone. तब पूरा राज्य करने का काम चला जाता है। That's what is happening in many states in India. और ऐसी ही बात कई सारे भारत के राज्यों में हो रही है। One party is ruling. एक सरकार राज्य कर रही है। And a good number of MLAs from that party becomes rebels. और उस सरकार के या उस पार्टी के समूह के कई सारे MLA जो है उसके पार्टी के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। So when rebellion happens. और जब विद्रोह होता है, what happened? क्या होता है? The government collapse. तब सरकार गिर जाती है। No more ruler. तब वो और पास राज नहीं कर पाती। And therefore, और इसलिए that is the principle you apply here. इसी सिद्धांत को आप अपने जीवन में लागू करें। Woman has her place. कि एक स्त्री का अपना स्थान है। And if she rebels, और अगर वो विद्रोह करे, then the whole family life is collapsed. तब पूरा पारिवारिक जीवन गिर जाएगा। A rebellious spirit is a terrible spirit. और याद रखिए विद्रोह का आत्मा एक सबसे भयानक आत्मा है। It is a terrible embarrassment to her husband. और वो अपने पति के लिए एक बहुत ही शर्मजनक बात बन जाती है। So what happened when the wife rebels? और क्या होता है जब एक पत्नी विद्रोह करती है? The husband is dishonored. तब एक पति का अपमान होता है। And what a shame that is. और वो कितना शर्मसार कर देने वाला बात। And a wife should never be the cause for a husband to be ashamed. और एक पत्नी कभी भी एक पति के अपमान का कारण या उस अपमान को करने वाला नहीं होना चाहिए। In Corinth, कुरिन्थ की कलीसिया में she was to cover her head. उसे एक पत्नी को अपने सिर को ढक के रखना था। By wearing the veil. और एक पर्दे को रखना था। Because of two things. दो कारणवश। It symbolized man's authority. वो इस बात को दर्शाता था कि कैसे एक पुरुष का अधिकार है। And secondly, और दूसरी बात, because angels were present. क्योंकि स्वर्गदूत वहाँ पर मौजूद थे। Present where? कहाँ पर मौजूद थे? In creation. वो सृष्टि में। And even today. और आज के दिन भी। The angels are present, watching every wedding ceremony. स्वर्गदूत मौजूद हैं और देखते हैं हर एक विवाह को। Along with God. परमेश्वर के संग संग। She should respect the presence of angels. और उस स्त्री को स्वर्गदूतों की उपस्थिति का आदर करना है। And respect the authority of her husband. और अपने पति के अधिकार का भी आदर करना है। And what is the application for us today? और इसका हम अपने ऊपर क्या प्रभाव लगाएं, हमारे ऊपर ये कैसे लागू होता है? First of all, पहली बात, God never changes, nor does He change His requirements. पहला की बात ये कि ना तो कभी परमेश्वर बदलता है और ना ही वो अपनी शर्तों को कभी बदलता है। He is an unchanging God. वो एक ना बदलने वाला परमेश्वर है। And His words therefore can never change. और इसी कारण वर्ष उसका वचन भी कभी नहीं बदलेगा। His commandments. उसकी आज्ञाएं। He has not replaced even one commandment till today. और आज के दिन तक उसने एक भी आज्ञा को नहीं बदला है। And His commandments are always ahead of time. और उसकी आज्ञाएं हमेशा समय के आगे चलती हैं। The world with all the education and all the expertise today. और ये संसार अपनी पूरी शिक्षा और पूरा हर एक बात की ज्ञान के लेकर has not yet found or discovered another way that can bring order and decency and dignity to human life and family life, personal life, society life. और इसी वो अपने पूरे ज्ञान और शिक्षा के साथ भी एक ऐसी आकार को नहीं ला पाया कि पारिवारिक जीवन, आत्मिक जीवन और सामाजिक जीवन को सही करने पाए। And in fact, the knowledgeable people say, यहाँ तक कि जो ज्ञान रखने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं, bring back the 10 commandments, कि 10 आज्ञाओं को वापस ले आओ, and let the world begin to observe and obey the 10 commandments. और होने दे संसार उन 10 आज्ञाओं को अभ्यास करे और उनको माने। Most of the problems that we are facing today, और ज्यादातर समस्याएं जिनका सामना आज के दिन हम करते हैं, will be solved by humanity doing this. वो हल हो जाएंगी जब मानव इस बात को करेगा। Because man cannot find another replacement. क्योंकि मनुष्य दूसरे किसी बात को इसका समझौता या इसका स्थान लेने के लिए ढूंढ ही नहीं सकता। So here it is, और इसलिए यहाँ पर ये बात है, neither God, ना ही परमेश्वर, nor his word, और ना ही उसका वचन, and his requirements, और ना ही उसकी शर्तें, he never changes, वो कभी नहीं बदलती। Christian woman today should dress modestly, और मसीही स्त्रियों को आज के दिन अच्छी रीति से पहनावा रखना, not to attract attention to her body, ना कि वो दूसरों के आकर्षण को अपनी ओर खींचे, अपनी देह की ओर। She is not to dress up to display her body, और उसे ऐसा पहनावा नहीं रखना है कि वो अपनी देह का दर्शा, देह को दिखाए, which suggest loose morals, जो कि दिखाता है ढीली नैतिकता को। You understand that? क्या आप इस बात को समझते हैं? She is to dress to honor her husband. उसे ऐसा पहनावा या कपड़े पहनने हैं जो अपने पति के आदर दे। And she must acknowledge his authority as God intended in his creation. और उसे उस स्त्री, उस पत्नी को अपने पति के अधिकार को समझना और मानना है जैसे परमेश्वर ने अपने वचन में उसे दिया। He never changes. और क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। She is not to cause pain and hurt to her husband by the way she dresses up. और उसे कभी भी दुख या दर्द नहीं देना है अपने पति को अपने पहनावे के द्वारा। An example. उदाहरण के रूप में, homes where confusion and chaos because there is no recognition or willingness to accept authority. क्योंकि ऐसे कई सारे घर हैं जो कि बर्बादी की ओर हैं, उनकी परिस्थितियां बड़ी भयानक हैं क्योंकि वे अधिकार को पहचानना और मानना नहीं चाहते। How many women and men have embarrassed one another? कितने सारी स्त्रियां और पुरुषों ने एक दूसरों को शर्मसार किया है by the way they dress up, जिस तरीके से वो पहनावा रखते हैं, and dishonored God by dressing up rebelliously, और परमेश्वर का भी अनादर किया है कि वो विद्रोह के संग ऐसे कपड़े और पहनावे को रखते हैं, or to attract attention, या दूसरों के आकर्षण को, नजरों को अपनी ओर खींचने के लिए। This way, so many have fallen into sin and immorality. और इसके द्वारा कई सारे पाप में और अनैतिकता में पड़ गए हैं। What is the way out of it? और इस सारी बातों से कैसे बाहर निकला जा सकता है? The only way of correction is love and God's order of authority. सिर्फ एक ही तरीका है और वो है प्रेम और परमेश्वर का अधिकार। What is the will of God? और परमेश्वर की इच्छा क्या है? We shall close this study, और हम इस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करें, by reading Paul's words in the book of Ephesians. पॉलुस के उन शब्दों को, उन वचनों को पढ़ने के द्वारा जो इफिसियों की कलीसिया को उसने लिखे। Chapter 5 verse 25. इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 25वां वचन। Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। I have mentioned the quality of Christ's love many times in this church. और इस कलीसिया में कई बार मैंने मसीह के प्रेम के गुणों को बताया है। There are 5 qualities. और 5 ऐसे गुण हैं। How did Christ love? और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया? He loved. His love was selfless. उसका प्रेम निस्वार्थ था। His love was unconditional. उसका प्रेम बिना किसी शर्त के था. His love was sacrificial. उसका प्रेम एक बलिदानी प्रेम था. His love was sanctified. उसका प्रेम एक शुद्ध करने वाला प्रेम था. And his love therefore was satisfying. और इसी कारण वश उसका प्रेम तृप्त करने वाला प्रेम. What a model we have in Christ Jesus. और कितना अच्छा एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह में हमारे. All the friction and all the arguments and all the shameful things happening in our families. ताकि हम हर एक प्रकार के झगड़ों को, बहसों को और शर्मसार बातें जो परिवार में होती हैं उनको दूर कर सके. One more verse. एक और वचन. First Peter chapter 3. पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय. What does Apostle Peter say? और वहाँ पर प्रेरित पत्रस क्या कहता है? First Peter chapter 3 says 1 and 2, verses 1 and 2. पहला पत्रस 3रा अध्याय 1 और 2 वचन. Wives, in the same way, be submissive to your husbands, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives. हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हैं जो वचन को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाएं। When they see the purity and reverence of your life. और जब वो आपके जीवन की पवित्रता और भय और आदर को देखेंगे, that's the way you win an unsaved wife or an unsaved husband. और इसी तरीके से आप एक अविश्वासी पति या पत्नी को जीतते हैं. So if you have been preaching to your unsaved husband. और इसलिए अगर आप अपने अविश्वासी पति के बीच में प्रचार करती आ रही हैं. And keep on at him. और उस पे लगातार बोलती रहती हैं. He will only become harder. तब वो और कठोर होते चले जाएंगे. But if you quietly and humbly live the Christian way. लेकिन आप अगर बड़ी शांति से और बड़ी दीनता के संग मसीही रीति से जिएंगे, let your husband sees the purity. होने दे आपके पति आपके जीवन से आपकी पवित्रता को देखने पाएं. And let your husband see the beauty of a gentle and quiet spirit. और होने दे वो आपकी उस नम्र और शांत आत्मा की सुंदरता को देखने पाएं. Your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of a great worth in God's sight. Verse 4. और जो कि लिखा है इतनी भय और बड़ी सुंदरता जो कि परमेश्वर की नजरों में बहुत बड़ी है. That's the way you win over. और इसी तरीके से आप एक को जीतते हैं. And men. और पुरुष, if you are trying to win over your unsaved wife, अगर आप अपनी अविश्वासी पत्नियों को जीतना चाहते हैं, how do you do it? आप कैसे करेंगे? Not keep on preaching to her. उसे लगातार प्रचार करने से नहीं. And she become more and more hard. और वो और कठोर होती चली जाएंगी. But be gentle. लेकिन नम्रता के संग उनसे बात, उनसे प्रेम रखें. And let her experience your amazing love and understanding. होने दे वो आपके अद्भुत प्रेम और समझ को ग्रहण करने पाए. And your gentleness. और आपकी नम्रता को. She will follow you. और वो आपके पीछे हो लेंगी. And may the Lord bless each one of us. और होने दे परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे. As we put these things into practice and we keep on winning souls for the kingdom of God. जैसे हम इन बातों को स्वभाव में लाकर अभ्यास करते हैं और नई नई आत्माओं को परमेश्वर के लिए जीतते हैं. If you husbands and wives are already followers of Christ. और अगर आप पति और पत्नियां पहले से ही परमेश्वर के अनुयायी हैं. Then both of you pray for your unsaved children and unsaved neighbors, friends. तब आप अपने अविश्वासी बच्चों, पड़ोसियों, रिश्तेदार, नाते और मित्रों और पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें. And let them see both of your lives gentle, loving each other so dearly, and when they see how you both love each other, they will desire that kind of a relationship with their own husbands and wives. और होने दे वो उस नम्रता, उस विनम्रता को देखने पाएं, और जब वो आपको देखें तो उसी रीति से प्रभावित होकर अपने रिश्ते को भी बदल डालें. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष। He gives you grace. वो आपको अनुग्रह देता है। And He will enable you by His Holy Spirit. और वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सशक्त बनाएगा। And therefore pray. और इसलिए प्रार्थना करें। For the Spirit of God to enable you what otherwise you will not be able to. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको सशक्त बनाए वो करने के लिए। We need to exercise extreme patience with our husbands and with our wives. और हमें अपने पति या पत्नियों के संग बहुत धीरज और संयम को लेकर के चलना है। And she will submit or he will submit himself or herself to the lordship of Jesus. और वो खुद को समर्पित करेंगी प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के लिए। The Bible says you be a witness. बाइबल बताती है कि तुम एक गवाह ठहरो। Not giving witness. ये नहीं कहती कि गवाही दो। But being a witness. लेकिन एक गवाह ठहरो। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। And as we practice these Christian principles in life. और जैसे हम इन मसीह सिद्धांतों का पालन अपने जीवन में करते हैं। God's favor will come mightily upon us. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बहुतायत से आएगा। Not by arguing about anything, not by being rebellious and. और बहस या विद्रोह करने के द्वारा नहीं। So here are things that we can practically show that we follow Christ. यहाँ पर ऐसी व्यक्तिगत और प्रभावित बातें हैं जिनको करने के द्वारा हम दिखा सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। Blessed Holy Spirit. धन्य पवित्र आत्मा। We thank you for blessing your word into our hearts. हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो आपने हमें एक धन्य रूप से आशीषित किया। और अब जब हमने आपके वचन को समझा है कि क्यों एक स्त्री के लिए महत्वपूर्ण है कि वो एक पुरुष के अधिकार को जाने और माने, कि सर का ढकना क्यों महत्वपूर्ण है। In a nation like India, एक भारत जैसे देश में हमें समझ में आया। Now we need your grace. अब हमें आपके अनुग्रह की आवश्यकता है। Not to be rebellious. कि ना कि हम विद्रोही ठहरे। But be humble. लेकिन हम दीन हो जाएं। Let's find the favor of the Lord. और उसके द्वारा परमेश्वर तेरे अनुग्रह को हम पाएं। And we pray for unsaved husbands. हम प्रार्थना करते हैं गैर अविश्वासी पतियों के लिए। और unsaved wives. और अविश्वासी पत्नियों के लिए। And unsaved children. और अविश्वासी बच्चों के लिए। Because it is your will for the entire household to be saved. क्योंकि ये तो आपकी इच्छा है कि पूरा घराना बचा लिया जाए। It will happen when we are patient with each other and be humble before others and caring and being gentle and patient. ये तब होगा जब हम एक दूसरे की चिंता करेंगे, एक दूसरे के प्रति धीरज और संयम को रखें। Bless our brothers and sisters. हमारे भाइयों और बहनों पर आपका आशीष। Bless our family. हमारे परिवारों पर आपका आशीष। All the families of LifeSpring. जितने भी परिवार हमारे LifeSpring Assembly कलीसिया के हैं। Thank you, Father. धन्यवाद यीशु। May your word abide in us richly. होने दे तेरा वचन बहुत तायत से हमारे अंदर वास करे। And enrich our understanding of our God. और हमारी समझ को परमेश्वर के प्रति और बढ़ा दे। Amen. Amen. In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Have a wonderful night. एक अद्भुत रात्रि आपकी बीते। But don't go on to sleep without talking to God. और बिना परमेश्वर से बात किए सोने ना जाएं। Without giving Him thanks and praises. और उसे बिना धन्यवाद दिए स्तुति किए बिना ना जाएं। And worship Him. और उसकी आराधना करें। You will sleep in His arms. और उसके हाथों में सो जाएं। Rise up in the morning. और आप सुबह उठें। Again seek the Lord first. और फिर से परमेश्वर को निहारें। God's blessing be upon you. परमेश्वर की आशीष आप सबके ऊपर। आमीन। आमीन।